नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। वन दरोगा भर्ती घपले में रविवार को साइबर थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने वन दरोगा भर्ती घपले में भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को हरिद्वार के 2 दलालों में गिरफ्तारी की गई है। एसएसपी के अनुसार दोनों एक नकल गिरोह के सदस्य हैं। इन्होंने अभ्यर्थियों से 4 से 5 लाख रुपए के लिए और अपने साथियों की मदद के लिए नकल कराई। बताया जा रहा है कि ये सारे अभ्यर्थी नकल करने के बाद ही पास हुए हैं। वन दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा NSIT लिमिटेड नाम की कंपनी ने कराई थी। एसटीएफ का मानना है कि बिना इस कंपनी की मिलीभगत के नकल नहीं कराई जा सकती। ऐसे में संभावना है कि कंपनी के अधिकारी भी मिले हुए हैं। इस मामले में एसटीएफ ने कुछ अधिकारियों को चिन्हित किया है। इनसे पूछताछ की जाए, यदि कोई साक्ष्य मिलते हैं तो गिरफ्तार की भी जा सकता है। देखिए, वन दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई सितंबर माह के बीच में हुई थी। और इसमें जो अनियमितता की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे। और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई, और इसमें पाया गया कि इसमें काफ़ी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है। और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं, और एक दो इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहाँ परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर ये केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उस पर 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों के माध्यम से पैसे लिए गए थे और उसको आगे अपने अन्य साथियों को दिया गया था। चूंकि अभी विवेचना स्टार्ट हुई है और इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, तो आने वाले समय में पूरे लिंक जो इसमें शामिल थे लोग उन तक पहुँचने के लिए टीमों को लगाया गया है।